हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर। तो ये रात का एक्स्ट्रा वाला दूध था, तो अच्छे से इसमें बॉईल करने के बाद में इसमें मैंने ये सिरका ऐड कर दिया और ये देखिए पनीर बन रहा है अभी। हेलो, ये देखिए दूध फट चुका है और अब इसको हम एक मलमल के कपड़े में अच्छे से निकाल लेंगे और फिर इसका पनीर बना लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ छलनी ली, उसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा लिया है और इसमें मैं ये पूरा दूध जो पनीर निकल चुका है वो डाल दूंगी। ये देखिए इसको बांध के टंगा देंगे और ये हमारा पनीर तैयार। कपड़े में बांध दिया, इसके ऊपर एक चकला सा रख दो और अच्छे से प्रेस कर दो। फ्रेंड्स, पनीर बनके तैयार है, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा। और आज इसको पीसेस में अभी काट के दिखाएंगे आपको। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। तो भाजी के लिए सबसे पहले मटर लिया है कुकर के अंदर, उसके बाद में कॉलीफ्लावर लिया है और उसके बाद में बीन्स ली है और कैरेट ली है, गाजर, और इसको हाफ बॉईल कर लेंगे। ये देखिए कटिंग कर लेते हैं हम लोग पनीर की। ये मेरी फ्रेंड ने बनाया है, बहुत अच्छा पनीर बनाया है। देखिए स्क्वायर शेप में कितने सुंदर सुंदर पीसेस निकल रहे हैं पनीर के। ये हम पाव भाजी में डालेंगे। देखिए कुकर में सारी वेजिटेबल्स को बॉईल करने के लिए रख दिया, इसको हाफ बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एक बाउल में हमने कटा हुआ प्याज ले लिया है, फिर एक बाउल में हमने पनीर लिया है, यहाँ पे गार्लिक लहसुन लिया है और ये प्योरी बनाई है हमने इसकी टोमेटो की। यहाँ पे हम अमूल बटर डाल रहे हैं। देखिए बटर डाल दिया इसके अंदर। हम इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हींग डाल देंगे, चुटकी भर जीरा। इसकी चटकने की जब तक साउंड आती है ना, तब तक इसको अच्छे से पकने देना, जीरे को और हींग को। इसमें ऑनियन ऐड कर लेंगे और इसको सौटे कर लेंगे। ये इसमें हमने हरी मिर्च डाल दी है काट के, और जो नहीं खाता है ना, उसके लिए इस टाइप से कट करके डाल दो तो फ्लेवर भी आ जाएगा और तीखी भी नहीं लगेगी। इसमें गार्लिक ऐड कर देंगे, फिर इसको भी साथ में सौटे कर लेंगे। गार्लिक एंड जिंजर दोनों को इसमें डाल दिया और अच्छे से सौटे करेंगे ऑनियन के साथ में। यहाँ पे हमने सारी सब्जी को अच्छे से देखिए बॉईल कर दिया है, हाफ बॉईल किया है, ज़्यादा नहीं, बट देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। इसमें चुटकी भर नमक ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे, टेबल स्पून फिर नमक ऐड कर देंगे, चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे इसके अंदर एक चम्मच भर के, पाउडर डाल दिया मैंने एक चम्मच भर के, फिर अच्छे से इसको सौटे कर लेंगे और पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें हम टोमेटो प्योरी ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास प्योरी नहीं है, आप मिक्सर ग्राइंडर में भी बना सकते हो, नहीं तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हो। इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स होने के बाद पका लेंगे। इसको सारी वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर मैशर है तो आप उससे कर लीजिए, ना तो यहाँ तो मैं चमचे से कर रही हूँ। यहाँ पे हमने एक नींबू ले लिया है, इसको अच्छे से कट कर लिया। इसने पूरा तेल अच्छे से छोड़ दिया है और हम इसमें मैश किए हुए सारे आलू है जो वो डाल देंगे। देखिए सारे मैश किए हुए आलू इसके अंदर डाल देंगे, सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देंगे। ये हाफ मैश्ड है और इसके साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ये भाजी बनने को तैयार है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से पक जाए और वो साथ में अच्छे से मैश हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, मेरे तो मुंह में पानी भी आने लग गया। हम इसमें एक चम्मच भर के हमने यहाँ डाल दिया है पाव भाजी मसाला और इसको अच्छे से ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इसकी जो खुशबू है ना, वो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बाहर बारिश होने वाली है और साथ साथ में पाव भाजी भी बन रही है। इसमें थोड़ा सा बटर का पीस डाल देंगे और इसका जो फ्लेवर है बटर की वजह से बहुत ही अच्छा आ जाएगा। इसमें थोड़े से पनीर के क्यूब्स भी डाल देंगे भाजी के अंदर और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। आज ये मैं अपने फ्रेंड के घर आई हूँ और ये डिश उसी की है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए और
लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। इस तरह से नींबू को इसमें निचोड़ना और बीज भी अंदर नहीं जाए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इस नींबू से और भी अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ये अच्छे से निचोड़ रहे हैं, बीज को साइड कर दिया है। ये देखिए बीज को हमने साइड में कर दिया और पूरा इसका जो जूस था वो भाजी के अंदर चला गया है। इसमें धनिया स्प्रेड कर देंगे गार्निश के लिए, अच्छे से गार्निश कर देंगे धनिए को। ये देखिए कितनी अच्छी पाव भाजी लग रही है, पाव क्या भाजी लग रही है। पाव अभी हम अच्छे से सेकेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कैसी बनी है। यहाँ पे हमने तवा चढ़ा दिया है, यहाँ पे पाव का पैकेट ले लिया है। ये देखिए यहाँ पे पाव ले लिए, अब इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। बीच में से इसको अच्छे से कट करेंगे पहले। ये देखिए इस तरीके से नाइफ की हेल्प से आप कट कर सकते हो। ये देखिए बीच में से कैसे कट किया, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए हमने छोटे छोटे ऑनियन ले लिए ताकि इसके पाव भाजी के ऊपर डाल के खाएं। देखिए हमने तवे के ऊपर डाल दिया इसके ऊपर, और इसके ऊपर हमने पाव रख दिए ताकि अच्छे से सिक जाएं। ये देखिए कितने अच्छे से सिक रहे हैं यहाँ पे पाव। बटर को थोड़ा अच्छे से डालना ताकि ये पाव पूरे अच्छे से सिक जाएं। ये देखिए साथ में मौसम इतना अच्छा हो रहा है और बाहर बारिश भी हो रही है, बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे। ये देखिए ये प्लांट्स हैं यहाँ पे, और साथ साथ में मैं बना रही हूँ पाव भाजी। ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और इसको सर पलट दिया है। देखिए ये अच्छे से पक रहे हैं, पक क्या सिक रहे हैं। ये देखिए पाव भाजी यहाँ रेडी हो चुकी है, और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और साथ साथ में पाव भाजी का लुक उठाइए।